Alright, so hey, what's up everybody, my name is Samyak. Hope you guys are doing great. Well, I'm doing great. It's good morning from Devendra. So see nahi hai ki bahut sara yahan pe humid weather hai, hawa kam hai and all. So yahan se pehle nikalte hain. Yahan se hum aaj nikal ke jaane wale hain Harihareshwar Beach aur Sri Vardhan Beach. This is the last day in Devendra. Aur agar raste mein ek aadha beach mila to wahan pe bhi jayenge. Pehle yahan se nikalte hain and phir aapse milenge. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Okay, so jahan pe humne homestay kiya tha wahan se to hum log nikal gaye. अभी एक बार वापस से बीच पे जाएंगे, अगले में यहाँ से निकलते हैं। ऊपर आ रहा है, अच्छा ठीक है ठीक है। बीच का पानी ऊपर आ गया है, जैसे कि हम कल देखे थे पानी बहुत अंदर था। कल रात को हम जल्दी वापस जाने का भी रीजन यही था कि पानी ऊपर आ रहा था। तो अभी हम चेक कर लेते हैं क्योंकि जहाँ तक किला दिख रहा है वहाँ तक पानी आके जा चुका है। पानी का वाइड लगा, पानी वाइड लगा, लाल पानी आ रहा है ना, लाल पानी आ रहा है। अच्छा 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 बंद हो। अच्छा बोटिंग थोड़ा वेळ बंद होईल का? अच्छा म्हणजे पावसाळा आल्यावर बंद होईल? हो पावसाळा नाही पहिला बसतो बसतो येणार तो हम लोग इस साइड ही है। सीन है जिदा कल ओहो लिंबू सर एक तो कल हम पूरा वहां से ऐसे बाइक चला के लेके गए थे एंड मैं जब सोच रहा था कि रात को यहाँ पे रुकते हैं थोड़ी देर, इट वाज अ गुड डिसीजन नॉट टू स्टे ऑन अ बीच बिकॉज हम फंस गए रहते उसी साइड पे। और ये जो पूरा सैंड है ये सूखा हुआ मिट्टी है जिसमें बाइक स्लिप होता है और फंस जाता है, और वहां से इतना बड़ा पैच कवर करना इज इट वॉज नॉट अ गुड आइडिया। तो अच्छा कि हम लोग रात को जल्दी निकल गए वहां से, वेदर थोड़ा चेंज हो रहा है एंड ऑल। अभी ये लोग भी बोल रहे हैं कि 8-15 दिन में जैसे और बारिश का मौसम आ जाएगा वैसे पूरा बोटिंग एंड ऑल सब बंद हो जाएगा, और जैसे क्रॉस वेव्स आ रहे हैं वैसे पानी अंदर तक आ रहा है लाइक दिस। बोट्स जेटसी वगैरह सब बाहर लाया इन्होंने। सुन थोड़े बहुत लोग हैं बीच पे जो अंदर जाके मजे ले रहे हैं समंदर का उस साइड बट एज यू कैन सी वेव्स बहुत बढ़ गए यहां तक आ रहे हैं इसमें। Alright guys, तो हम यहाँ से निकल रहे हैं दिव्यागढ़ बीच से। Oh, yeah,
एक टर्न पे हर एक मोड़ पे व्यू चेंज हो रहा है, कैसे टर्न लेते हैं कुछ अलग व्यू दिखता है, कभी बीच का व्यू दिख रहा है, कभी ऐसे जंगल दिख रहा है, कभी घना जंगल है, कभी अचानक से कर्व आ रहा है और अचानक से ऐसे खुला आसमान और पूरा समंदर दिख रहा है। जहाँ तक आंखें जा रही है वहीं तक समंदर ही दिख रहा है, सिर्फ ऐसा लग रहा है आगे जाके उधर बादल और समंदर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। यहाँ पे पूरे साइलेंस में सिर्फ समंदर की आवाज आ रही है, हवा की आवाज आ रही है, पेड़ पौधों की और बर्ड्स की आवाज आ रही है, और फिर अचानक से एक कार पास हो जाती है, फिर वापस से एक शांति आती है। अमेजिंग, वेरी नाइस। मैं बहुत दिनों से ऐसे वेदर का, ऐसे मोमेंट्स का वेट कर रहा था, एंड फाइनली इट्स हियर, आई एम लिविंग दैट मोमेंट्स। अमेजिंग। ये आपके लाइफ के ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स रहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, एंड आई एम लिविंग दैट मोमेंट्स इन माई लाइफ। अमेजिंग मैन। अभी फिलहाल हम हैं सेखाड़ी बीच पे, जिसमें पास कर रहा था, जिसमें आपको लोकेशन दिखा रहा था, इधर का वेदर बता रहा था, जिसमें यहाँ से रोड से पास हो रहा था, नहीं तो साइड से मुझे ये बीच दिखा। सो अमेजिंग। यहाँ पे दरगाह है, एंड राइट हियर छोटा बीच है, और यहाँ पे इन्होंने मस्त उसे बैठने के लिए किया है। यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे, नारियल पानी वगैरह पियेंगे। बहुत टाइम बाद अपने को पानी मिला है, वो भी नारियल पानी। अभी ऐसे पेड़ के नीचे, इधर हमारी बाइक पार्क है, इधर हम निवांत बैठे हुए हैं। भाई जो सुकून मिल रहा है ना, बहुत सही लग रहा है। पेड़ के नीचे आराम से, उधर पीछे बीच का आवाज़ आ रहा है, इग्नोर ये लोगों का आवाज़ वगैरह वो सब इग्नोर कर दो, और यहाँ पे सोने में जो मज़ा आ रहा है, इट्स अमेजिंग, रियली नाइस। ऊपर से हमारा बाइक यहाँ पे खड़ा है, तो वो कैसे फील आता है ना, पास वाला घर वाला फील आ रहा है। और थोड़ा एक 5-10 मिनट यहाँ पे निवांत में बैठूंगा, उसके बाद फिर निकलते हैं और आगे का सफ़र करते हैं। 1-2 किलोमीटर पे और एक बीच है, वहाँ पे रुकना है, उसके बाद फिर सीधा श्रीवर्धन। श्रीवर्धन में ही खाना खाएंगे। यहाँ पे एक भाईजान मिले, उनको मैंने पूछा कि क्या सीन है खाने पीने का, तो वो बोले कि श्रीवर्धन पे आपको अच्छा खाना मिलेगा। तो आरवी बीच तक ये व्लॉग कंटिन्यू रहेगा, उसके बाद फिर श्रीवर्धन का व्लॉग दूसरा आएगा। बीच पे दूर दूर तक कोई नहीं है, जस्ट कोई लोग आ रहे हैं, फोटो वोटो खींच रहे और जा रहे हैं। शांति मिल रही है यार यहाँ पे बहुत। मैं वहां पे बैठा था थोड़ी देर झूले पे, मस्त नींद लग रहा है, हवा चल रही है, ह्यूमिड थोड़ा कम लग रहा था क्योंकि वेदर के वजह से मेरे पूरे लग गए थे, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। एंड लुक एट दिस व्यू, लोग भी अच्छे हैं यहाँ के, जो भैया यहाँ पे बैठे नारियल पानी वाले, गाइस अमेजिंग, बात बात कर रहे हैं अच्छे से, उन्होंने सब यहाँ का बताया, वो बोले यहाँ पे आप आके रह सकते हो एंड ऑल, तो अच्छा लगा। उन्होंने यहाँ से बताया कि आरवी बीच है, उसके बाद श्रीवर्धन है, हरिहरेश्वर है, तो बता रहे कहाँ पे खाना अच्छा मिलेगा, कहाँ पे आप रुक सकते हो, क्या कर सकते हैं एंड ऑल। सो यहाँ से निकलते हैं अभी। ऑलराइट दोस्तों, सो यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है, तो इस व्यू को बाय बोलते हैं, अब निकलते हैं यहाँ से। अमेजिंग।
चला जाएगा। पहाड़ी बीच जहाँ पे हम रुके थे, सबसे अच्छा टाइम स्पेंड मैंने यहीं पे किया क्योंकि वहाँ पे छाव थी, सोने के लिए अच्छी जगह थी, आराम हुआ। उसके बाद ज़्यादा लोग भी नहीं थे। ऑलराइट, तो ये है आरवे बीच। ये भी बहुत अच्छा सा क्लीन बीच है, बट तो यहाँ पे अगर हमें जाना है तो बाइक यहाँ पे पार्क करना पड़ेगा और फिर हम अंदर जा सकते हैं, घूम सकते हैं। यहाँ पे खाने पीने के लिए आपको कुछ मिल जाएगा, यहाँ पे बनाना राइड नॉल है। अभी फिलहाल हवा तेज हो चुकी है इसीलिए बहुत सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे रखा नहीं है, बिकॉज पानी भी यहाँ का ब्राउनिश हो चुका है। वो बोल रहे हैं कि मिट्टी वगैरह सब बाहर आ रही है बिकॉज ऑफ हवा तेज हो गई है। तो ये है आरवे ब्रिज खाली, यहाँ पे आप आराम से आके फोटो वोटो खींच सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो हम लोग इधर आरवे बीच पे थे तो भाईजन मिले, तो बोले थोड़ा आम वाम खा लो, अब अभी खाएंगे और निकलेंगे यहाँ से। हमारे अलावा यहाँ पे अभी फिलहाल हमारे अलावा कोई नहीं है, पूरा ब्रिज खाली है, पूरा समुंदर खाली है। Just look at this. So guys, ये था हमारा आरवे बीच का व्लॉग। इसके आगे हम जाएंगे श्रीवर्धन एंड देन हरिहरेश्वर बीच। तो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो ऑफ आरवे ब्रिज, अबाउट दिस राइड, अबाउट दिस लोकेशन, अबाउट मी। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। इफ यू गाइज डिड, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, द यूजर आईडी इज सम्यक अंगोरे। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन स्टे सेफ, चाओ।